प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल की सुख बुघाटों के बीच शुक्रवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सतना दौरा अपने पीछे सियासी सुर्खियों भी छोड़ गया। नरोत्तम ने सतना में यह तो कहा कि प्रदेश में ना तो सीएम पद की कोई दौड़ है और ना ही वे किसी दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इससे पहले हुई नारेबाजी ने सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ा दी है। हालांकि इसे समर्थकों कार्यकर्ताओं का उत्साह माना जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को मैहर में देवी दर्शन कर सतना पहुंचे तो यहाँ उनका समर्थकों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत अभिनंदन के इसी दौरे के बीच सर्किट हाउस में जमकर नारेबाजी भी हुई। सार्थकों ने जोश में प्रदेश का मुखिया कैसा हो नरोत्तम मिश्रा जैसा हो जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। गृह मंत्री कार में बैठे रहे और उधर नारेबाजी चलती रही। कुछ ही पलों में वे पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी के निवास के लिए रवाना हो गए। उस समय तो वे खामोश रहे, लेकिन जब वे तिवारी के निवास से निकले तो मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए कह दिया कि प्रदेश में सीएम की कोई दौड़ ही नहीं चल रही, अगर कोई दौड़ होती तो वे शामिल होते। शिवराज ही सीएम हैं और सब उनके साथ हैं। अब जब उनके पन्ना रवाना हो जाने के बाद शाम को नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो सियासी गलियारों में उनके बाद में दिए बयान के मायने निकाले जाने लगे। चर्चा शुरू हो गई कि नरोत्तम ने यह साफ कहा कि प्रदेश में कुर्सी की कोई दौड़ नहीं है, अगर होती तब वे शामिल होते। मतलब उन्होंने इशारों में ही सही, लेकिन यह कहा कि जब भी दौड़ होगी वो उसमें शामिल होंगे। सतना के सियासी गलियारों में अब फ्लैशबैक स्टोरीज भी चर्चा में है और उन्हें भी जोड़कर प्रदेश में सत्ता केंद्र में परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। मसलन नरोत्तम के पहले साधना सिंह के मैहर और चित्रकूट आगमन और 7 सितंबर को सीएम शिवराज के सतना आकर महज आधे घंटे में ही वापस लौट जाने के भी मायने गृह मंत्री के सतना दौरे और यहाँ हुई नारेबाजी से जोड़कर निकाले जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस तरह की नारेबाजी को समर्थकों के जोश और उत्साह से ज्यादा कुछ नहीं मानते। Get down!